वेलकम बैक। कुछ ही देर में तीसरा मुबाहिसा शुरू होने वाला है उम्मीदवारों में। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने हैं और इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है सलमा हाशमी, साबिक रिपब्लिकन है, मेयर है वेस्ले चैपलिन फ्लोरिडा की। सलमा जी बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, ये मुबाहिसे में क्या होने वाला है? इस वक्त जो सिचुएशन है यहाँ पे इलेक्शन की वो बहुत ही शर्मनाक है, और स्पेशली जो ट्रंप जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं रिलीज होने के और मुख्तलिफ इल्जाम लगा रहे हैं, ये अमेरिकन वैल्यूज और डेमोक्रेटिक अमेरिकन वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है और उसको और ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए बावजूद इसके कि मैं रिपब्लिकन वैल्यूज पर बिलीव करती हूँ, बट आई विल स्टिल से कि मैं हिलरी को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी इस मौके पे, क्योंकि उसकी जो सर्विसेज रही हैं इन पास्ट 30 ईयर्स और सो उसने जो उसने काम किया है और जिस तरह से वो साथ रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सलमा जी, आप रिपब्लिकन रही हैं और इसीलिए रिपब्लिकन की नुमाइंदगी भी करती रही हैं, मेयर की हैसियत से भी आपने काम किया है। इस वक्त जो सूरत हाल, जो पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप की है, उसमें आप बताइएगा उनके जीतने के कितने इम्कान है? उनके जीतने के इम्कान तो जरूर होंगे थोड़े बहुत, मगर मेरा ये ख्याल है कि कोई भी सेंसिबल आदमी उन्हें वोट नहीं देगा। तो आपको भी यही लगता है कि वो एक बेहतरीन नामजदगी है? बिलीव करती हूँ, आई हैव बीन अ रिपब्लिकन ऑल फॉर माई पोलिटिकल कैरियर, मगर मैं फिर भी इस इलेक्शन में मैं ट्रंप को बिल्कुल वोट नहीं दूंगी, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस कि ये पूरी अमेरिकन वैल्यूज को खत्म कर रहे हैं, जो इतनी यहाँ पे स्ट्रांग डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं अमेरिका की, उनको वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। जी, साबिक रिपब्लिकन मेयर वेस्ले चैपलिन फ्लोरिडा सलमा हाशमी हमारे साथ बात कर रही थी। जी न्यूज को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।